Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. Hello students, yes, my name is Shefali Bajaj. Welcome to the channel. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा टाइप्स ऑफ रिसर्च का. ये लेक्चर 4 है आपका. हम रेगुलरली जो है यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड के आपके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं. आपकी जो रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है उसी के थ्रू अभी जो है इसका लेक्चर 4 हम यहाँ पर लगा रहे हैं. अगर आपने अभी पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हो. ओके, और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो. वहां पर आप मेरे साथ टच में रह सकते हो. कोई भी डाउट है एनटीए नेट को लेकर तो आप वहां पर मेरे से पूछ सकते हो. ओके, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ रिसर्च का. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम अगर हम देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, इसका एक एक जो आपकी एक एक स्लाइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाली है. तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा. ठीक है, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत किया करो. लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, प्लीज प्लीज प्लीज. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर. ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में. यहाँ पर देखो रिसर्च के अगर हम टाइप्स की बात करें तो बहुत से टाइप्स हो जाते हैं. मैंने यहाँ पर मोस्टली जितने भी टाइप्स हैं वो लेने की जो है इन्वॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश की है. देखिए सबसे पहले हम बात करें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में. डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या समझ आता है? देखो मैं जो बताने वाली हूँ इन शॉर्ट में बताने वाली हूँ, एक टू द पॉइंट बात करने वाली हूँ. डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन के लिए. ठीक है, किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन देना, किसी भी चीज का डिटेल में बताना. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऑफकोर्स जिसका भी हम अपने सैंपल्स जो हम ले रहे हैं उसके हम बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं इसे. ठीक है, क्योंकि बिहेवियर भी आपको पता है डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही होता है. ओके, तो हम जो है उसका बिहेवियर डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्टिव मेथड का यूज करते हैं. इसके अंदर जो है हम अपनी जो करंट नॉलेज है, जो जो आज के टाइम पर हमारे पास नॉलेज है उसे एक्सपेंड करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं. तीन मेन पर्पस होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के. पहली बात वो डिस्क्राइब करना, दूसरा जो है एक्सप्लेन करना, और तीसरा वैलिडेट करना, उसे इवेल्युएट करना कि वो सही है या नहीं. अब देखो यहां पर एक एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहां पर यूज होगी. अगर हम देखना चाहते हैं इस चीज के बारे में स्टडी करना चाहते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर मॉरली काम करते हैं एक सदी के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर, तो उन्हें यूज सम ऑफ मनी एज अ कंपनी प्रॉफिट के तौर पे उन्हें मिलनी चाहिए. ठीक है, तो ये जो है एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का टॉपिक है. नेक्स्ट वन इज कोरिलेशनल रिसर्च. कोरिलेशनल रिसर्च, कोरिलेशन दो चीजों के बीच में, रिलेशन. रिलेशन जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच में होता है, अलग अलग टाइप से होता है. फर्स्ट होता है पॉजिटिव हो सकता है ये रिलेशन, नेगेटिव हो सकता है, और थर्ड वन इज जीरो रिलेशन, जीरो कोरिलेशन हो सकता है. अब पॉजिटिव का मतलब क्या है? जब दोनों वेरिएबल सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जैसे कि हाइट भी अगर बढ़ रही है और वेट भी बढ़ रहा है. ठीक है, हाइट एज हाइट इंक्रीजेस वेट ऑल्सो इंक्रीजेस, दैट मीन्स इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है. नेगेटिव कोरिलेशन कब माना जाता है? जब दोनों वेरिएबल का रिजल्ट अपोजिट निकल कर आए. अपोजिट का मतलब क्या? क्योंकि जैसे कॉफी की कंजप्शन अगर इंक्रीज होती है, कॉफी पीना लोग ज्यादा अगर जो है पीने लगते हैं कॉफी, तो क्या होगा? टायर्डनेस डिक्रीजेस, जो थकावट है वो कम होगी उसकी वजह से. तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव कोरिलेशन. और जीरो कोरिलेशन वो होता है जब दोनों चीज के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, आता पता ही नहीं है. ठीक है, तो जैसे कि कॉफी कंजप्शन इज नॉट कोरिलेटेड विद द हाइट, कॉफी का कोई हाइट से लेना देना नहीं है ना, तो ये जो होता है हमारा जीरो कोरिलेशन है. अब कोरिलेशनल स्टडी जो है इसके अंदर दोनों ही वेरिएबल्स जो है वो रिसर्चर के हाथ में नहीं होते हैं, वो दोनों ही वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है. बस वो दोनों वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करता है और देखता है कि उन दोनों के अगर कोई रिलेशन है उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में या नहीं है. अगर है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. एक्सप्लेनेटरी और कैजुअल रिसर्च क्या हुआ कि जिसके अंदर हम एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के अंदर आए हुए चेंजेस के प्रभाव का पता लगाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. आज जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, मान लो उसके अंदर कुछ बदलाव आया है, तो उसका प्रभाव जानने की कोशिश करना एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं हम उसे. ठीक है, इसके अंदर क्या है, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं यूजुअली,
फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी जो है वो की गई है जानने के लिए कि कस्टमर के ऊपर ब्रांडिंग, कस्टमर लॉयलिटी पर ब्रांडिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लो हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम हम उसे दे दें, हम अपना नेम रजिस्टर कर लें, तो कस्टमर कितना लॉयल होता है उस टाइम पर। अब देखो एक प्रोडक्ट है लोकल जो ब्रांडिंग में नहीं है, एक लोकल प्रोडक्ट है, हम जो है एज अ कस्टमर उस प्रोडक्ट के साथ ज्यादा टाइम तक जुड़े रहेंगे, लॉयल रहेंगे, या ऐसे प्रोडक्ट के साथ ज्यादा टाइम तक हम रुक सकते हैं, लॉयल रहते हैं जिसका एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कस्टमर लॉयलिटी का क्या असर पड़ेगा। तो ये चीज पता लगाई जाती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के थ्रू। ठीक है, हम जो है वो एग्जिस्टिंग जो चेंज आया है, मान लीजिए अगर हम ब्रांडिंग करवाते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो चीज पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्या होता है कि ऐसी रिसर्च, ऐसा क्वेश्चन, ऐसे प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन पहले कभी भी नहीं किया गया, जिसके बारे में पहले कभी स्टडी नहीं किया गया, अब उस टाइप की स्टडी को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरह से कहते हैं ना पायलट स्टडी करेंगे, शॉर्ट लेवल पर करेंगे उसे। ठीक है, हमने मान लीजिए लाखों लोगों को एज अ सैंपल लेना है, हम सिर्फ 50-100 लोगों को सैंपल लेकर एक बार स्टडी कर रहे हैं कि क्या ये कल को अगर हम इसे फ्यूचर में करेंगे तो क्या ये हमारी सक्सेसफुल जाएगी। तो इस चीज को पता लगाने के लिए, इस चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, शॉर्ट लेवल पर करके देखते हैं उसे। ठीक है, इससे जो है हमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लग जाती है, पता लग जाता है कि टॉपिक कैसा है, उसके बारे में एक नजरिया हमारा बन जाता है, इनसाइट प्रोवाइड हो जाती है हमें। ठीक है, इससे जो है हम न्यू प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं इजिली जो कभी भी एक्सप्लोर नहीं हुई है, और एक फाउंडेशन प्रोवाइड करवा देता है आगे वाली रिसर्च के लिए, एक बेस प्रोवाइड करवा देता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट वन इज बेसिक रिसर्च। क्या होती है, जिसे हम फंडामेंटल कह सकते हैं रिसर्च, प्योर रिसर्च कह सकते हैं, थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, टोटली ये थियोरेटिकल होती है, हमारी थ्योरी से जुड़ी होती है। इसके अंदर क्या है, हम कोई ना कोई ट्रुथ या प्रिंसिपल डिस्कवर करने के लिए, कोई लॉ डिस्कवर करने के लिए इस तरह की रिसर्च को करते हैं। एग्जाम्पल बॉयलर्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हुक और न्यूटन, ये सब लॉज जो हैं वो बेसिक रिसर्च का ही नतीजा हैं। नेक्स्ट वन इज अप्लाइड रिसर्च। क्या है अप्लाइड रिसर्च, वो होती है जब भी किसी प्रॉब्लम, देखो अप्लाइड जब भी दिमाग में आए ना तो ध्यान रख लेना प्रॉब्लम का सोल्यूशन अप्लाई किया जाता है ना, तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। इसे न्यू सिस्टम या न्यू प्रोसीजर के ऊपर, कोई नया डिवाइस है, कोई न्यू मेथड है, उसके अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च का यूज किया जाता है। इसे इमीडिएटली अप्लाई किया जाता है जैसे ही इसका रिजल्ट निकल के आता है। ओके, डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है, डिडक्टिव और इंडक्टिव, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक कहते हैं। अब देखो जनरल टू स्पेसिफिक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, टॉप डाउन आपने ये ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इसी नाम से ही आ जाता है। तो जनरल टू स्पेसिफिक के अंदर एक चीज आप पहले से ध्यान रख लो कि जनरल टू स्पेसिफिक मतलब जनरली कोई थ्योरी बनी हुई है, उससे हम जब कोई स्पेसिफिक रिजल्ट निकाल के लेके आ रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, कम करना, डिडक्ट करना, है ना। तो उसी तरीके से ये जनरली एक बात कही गई है, उसी के बेसिस पर हम एक स्पेसिफिक एक पर्सन के बारे में या एक चीज के बारे में वही बात लागू कर रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड द डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च तीन मेथड से होती है। सिंपली पहले हाइपोथेसिस स्टेट किया जाता है कि हाइपोथेसिस क्या होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए डिसीजन देते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या रहेगा डिडक्टिव रिसर्च का, क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है ना, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां पर दिखा गया कि सारे मेंस जो है वो मॉर्टल है, ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, ये जनरल फैक्ट है, सारे मैन के बारे में, सभी मैन के बारे में बोला गया। अब क्या बोला गया, सोहन इज अ मैन, तो सोहन एक मैन है, सोहन एक आदमी है, तो सोहन इज अ मॉर्टल, तो आप ये कह सकते हो, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, हमने क्या किया, जनरली एक बात की और उसे स्पेसिफिकली सोहन पर ले गए, तो दैट इज कॉल्ड द जनरल टू स्पेसिफिक, जिसे हम कह देते हैं टॉप डाउन अप्रोच, टॉप से शुरू हुए और डाउन तक आए, जिसे हम डिडक्टिव रिसर्च का नाम भी दे देते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडक्टिव रिसर्च। क्या है इंडक्टिव रिसर्च, इसके बिल्कुल उल्टा है, बॉटम अप अप्रोच है, स्पेसिफिक टू जनरल वर्क करती है। अब स्पेसिफिक तो जनरल से आप समझ गए होंगे कि स्पेसिफिकली एक चीज के बारे में हम बात करेंगे और जनरली एक थ्योरी बना देंगे उसके बेसिस पर। कैसे, देख लेते हैं, तीन स्टेप्स इसी में रहेंगे। पहले हम वर्ल्ड के अंदर अपने आसपास जो है ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक चीज जो है वो इसी तरीके की हो रही है। ठीक है, एक फिनोमिना लगाने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल बहुत अच्छा है कि आपने मान लीजिए एक काऊ को देखा,
वो घास खा रही थी, हरा चारा खा रही है, ठीक है। दूसरी काऊ को आपने देखा, वो भी कुछ वेजिटेबल्स के जो हमारे होते हैं वेस्ट, उसे खा रही हैं। तीसरी जो काऊ है वो भी ऐसा ही कुछ वेज खा रही हैं। तो आपने एक पैटर्न सर्च कर लिया, इसके अंदर पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया। क्या ऑब्जर्व किया पैटर्न? कि सारी के सारी जो काउज है ना वो वेज ही खाती हैं, ठीक है, वेज ही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पे, उसके अकॉर्डिंग हमने एक जनरलाइजेशन बना दी, वो थी हमारी ये जनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंडक्टिव रिसर्च। जैसे हम क्या है स्पेसिफिकली चले, जैसे कि हम देखो सोक्रेट्स इज मॉर्टल, सोक्रेट मॉर्टल है, अलेक्जेंडर मॉर्टल है, प्लूटो मॉर्टल है, और सो ऑन, मतलब जिसको जिसको हमने देखा कि सारे के सारे मॉर्टल हैं। तो हमने क्या एक जनरलाइजेशन बना दी कि ऑल मैन आर मॉर्टल, कि सारे मैन मॉर्टल हैं। तो ये हो गया हमारा इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव के अंदर एक चीज दिखने वाली है। इंडक्टिव रिसर्च का जो एम होता है वो एक थ्योरी डेवलप करना होता है, और डिडक्टिव रिसर्च का एम होता है उस थ्योरी को टेस्ट करना, ठीक है ना। क्योंकि इंडक्टिव में हमने एक थ्योरी बनाई, कई लोगों को कई अलग अलग चीजों को देखते हुए एक पैटर्न बना दिया और उसे उसे एक थ्योरी का रूप दे दिया। लेकिन डिडक्टिव रिसर्च जो है उस थ्योरी को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, वो स्पेसिफिकली चेक कर रहा है कि सबके ऊपर ये अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, उसे टेस्ट करने का काम डिडक्टिव रिसर्च का है। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटी आप समझते हो नंबर्स, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, नॉन डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन नहीं होगा ना नंबर्स के अंदर, ही बात हो गई तो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन किस बात की, ठीक है। स्टेटिस्टिकल और जो मैथमेटिकल जो है हमारे फंक्शंस हैं वो इसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। ये इटरेटिव अप्रोच है, इटरेटिव प्रिंसिपल प्रोसेस है, जिसका मतलब क्या है, जैसे मैथमेटिकल या कॉम्पिटिशनल प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्पिटिशन की जाती है, किसी भी चीज का पता लगाया जाता है एविडेंस को इवेल्युएट करने के लिए। रिजल्ट्स जो हैं वो टेबल्स और ग्राफ के अंदर इसके अंदर शो किए जाते हैं, कंक्लूसिव होती है, कंक्लूजन एक निष्कर्ष, एक जो है हम निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं लास्ट में, ठीक है। और इट इन्वेस्टिगेट्स व्हाट वेयर व्हेन ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग के बारे में ये बता देता है कि क्या कब और कहां हमने ये चीज करनी है। इस तरह के डिसीजन हम क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू निकालते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसके अंदर क्या हो गया, क्वालिटी वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, फीलिंग्स, इमोशन, साउंड्स, नॉन न्यूमेरिकल है, देखो अनक्वांटिफिएबल मटेरियल है, जिसे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर कोई नंबर्स नहीं है, नॉन न्यूमेरिकल है, डिस्क्रिप्टिव तो होता ही है ये नेचर के अंदर। इसके अंदर रीजनिंग अप्लाई की जाती है, वर्ड्स का यूज किया जाता है, इसका मेन मकसद होता है किसी भी चीज का मीनिंग, फीलिंग या किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना, किसी का मतलब निकालना, किसी का फीलिंग का पता लगाना और किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का कोई ग्राफ नहीं बनाया जा सकता, एक्सप्लोरेटरी होती है ये हमारे नेचर के अंदर, और ये इन्वेस्टिगेट करती है कि डिसीजन मेकिंग के बारे में क्या इन्वेस्टिगेट करती है, व्हाई एंड हाउ, कि कोई चीज कैसे और क्यों हुई, ठीक है। तो ये है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च का काम। नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड रिसर्च ऑफ कोर्स द मिक्सिंग ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दोनों को जोड़ दो और बन जाएगा मिक्स्ड रिसर्च, ठीक है। तो नेचर ऑफ डाटा इज मिक्स्ड ऑफ वेरिएबल्स, वर्ड्स एंड इमेजेस, जो भी हमारे अलग अलग डाटा है जिसके अंदर मान लीजिए हमें क्वांटिटेटिव आइटम भी चाहिए और क्वालिटेटिव डाटा भी चाहिए, तो उस टाइम पर हम मिक्स्ड रिसर्च का यूज कर लेते हैं जिसके अंदर दोनों को यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पिरिकल रिसर्च। अब हम बात करें पहले कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है, सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या थ्योरी, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी से रिलेटेड होता है ये। ये जनरली फिलोसफर्स और थिंकर्स इसे यूज करते हैं कंसेप्ट डिवेलप करने के लिए, तभी इसका नाम कंसेप्चुअल है, ठीक है। या मान लीजिए कोई पुराना कंसेप्ट है उसे रीइंटरप्रेट करने के लिए, उसे नया मतलब देने के लिए कंसेप्चुअल रिसर्च का यूज किया जाता है। और दूसरी बात हम कर रहे थे एम्पिरिकल रिसर्च की, तो एम्पिरिकल रिसर्च क्या है, एम्पिरिकल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। इसके अंदर क्या है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की जाती है, कोई भी हम थ्योरी या सिस्टम के ऊपर यहाँ पर जोर नहीं देते हैं, पूरी की पूरी डाटा बेस्ड रिसर्च है ये हमारी। इसके अंदर जो है हम एनालाइज करते हैं और एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, इसके अंदर जो हमारा कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट निकल के आता है वो हमारा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई भी किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड द एम्पिरिकल रिसर्च। नेक्स्ट वन इज एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। एक्सपोस्ट फैक्टर या जिसका हम कह देते हैं आफ्टर द फैक्ट, तो समझ के आता है कि काम होने के बाद, फैक्ट होने के बाद। तो ये इन्वेस्टिगेशन तभी शुरू होते हैं जब काम हो चुका है। ज्यादातर सोशल रिसर्चेस, सामाजिक जो हमारी रिसर्च है वो इसी के थ्रू होते हैं, क्योंकि वहां पर हम जो है एज अ रिसर्चर पहले नहीं जा सकते हैं, या पहले हम उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं अपनी मनमर्जी से ह्यूमन, क्योंकि वहां पर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं जैसे वो करेंगे आगे से हमारा
दैट मीन्स जैसे वो बिहेव करेंगे वैसे ही हमें देखना पड़ेगा, उन्हें ऑब्जर्व करना है हमें, तो वहां पर जो है एक्सपोज फैक्टर यूज होती है जब हमारा काम हो चुका है, उसके बाद जो है हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हिस्टोरिकल रिसर्च भी आप कहेंगे कि वो भी वही हो गई कि हिस्ट्री के अंदर भी वही हो गया कि जो काम हो चुका है, लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च जो वो बहुत पुराने टाइम की पास्ट इवेंट्स का बारे में बात हो गई, ठीक है। पास्ट इवेंट्स पुराना जो हो चुका है उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या फैक्ट्स थे, क्या हुआ था, कारण क्या थे, कोज क्या थे, और आज उसके प्रेजेंट लेवल के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है, तो वो चीज हिस्टोरिकल रिसर्च में पता लगाई जाती है। इसके अंदर क्या है, रिसर्चर जो है वो सारा का सारा हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर ऑफ कोर्स रिलाई करेगा, जो पहले से रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स हैं, इवेंट्स हैं, किसी भी तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कोई आई विटनेस के रिकॉर्ड है, उनसे जाके बात करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा कलेक्ट करेगा। इसके अंदर जो है लेस फ्रिक्वेंट ऑन सेकेंडरी हिस्टोरिकल डाटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन हु डिड नॉट, इसके अंदर जो है हम ज्यादा जो है सेकेंडरी हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर जोर नहीं देते हैं, क्योंकि सेकेंडरी हिस्टोरिकल डाटा यहां पर कौन हो गया, वो लोग जिन्होंने विटनेस नहीं किया है, मतलब उनको उसको देखा नहीं है इवेंट को, लेकिन टेक्स्ट बुक्स और न्यूज़पेपर्स और इंसाइक्लोपीडियाज में उसके बारे में लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर कम जो है फोकस किया जाता है। मेनली जो है जो विटनेस है उनके, ठीक है, जो एक्चुअल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उस टाइम के किसी भी तरह के, ठीक है, जिन या कोई ऐसे इवेंट जिनका डायरेक्ट उनके साथ कॉन्टेक्ट रहा है उस चीज के साथ, तो वहां से डाटा कलेक्ट किया जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए। ओके, यस, नेक्स्ट वन इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है, बहुत अच्छी रिसर्च है ये भी, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक्शन रिसर्च जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ इवैल्यूएटिव इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल रिसर्च मेथड्स डिजाइन टू डायग्नोज प्रॉब्लम्स और वीकनेस, जो प्रॉब्लम्स और वीकनेस को डायग्नोज करने के काम आए, ठीक है। इसके अंदर कई तरह की रिसर्चेस हो जाती हैं, इवैल्यूएटिव, इन्वेस्टिगेटिव और एनालिटिकल, तीनों टाइप के रिसर्चेस एक ही एक्शन रिसर्च के अंदर आ जाती है किसी भी प्रॉब्लम और वीकनेस का पता लगाने के लिए, ठीक है। और ये चाहे किसी भी जो है डिपार्टमेंट में काम कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल होगा, एकेडमिक होगा, चाहे इंस्ट्रक्शनल, हर जगह पर इसका यूज किया जा सकता है एक्शन रिसर्च का। ये जो है एजुकेटर को हेल्प करती है प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को एड्रेस करने के लिए, एड्रेस देम क्विकली एंड एफिशिएंटली। कोई भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है उसे एड्रेस करने के लिए और उसे क्विकली एड्रेस करने के लिए, मतलब मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम है उसे क्विकली इमीडिएटली हमें सॉल्व करना है, एफिशिएंटली सॉल्व करना है, तो एक्शन रिसर्च का यूज किया जाता है। एक्शन रिसर्च जो है वो प्रोग्राम्स और एजुकेशनल टेक्निक्स पर भी उसे अप्लाई किया जा सकता है। डेट आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी प्रॉब्लम, जिसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आई है, देखो ऐसे भी प्रोग्राम्स के अंदर इसे अप्लाई किया जाता है, या ऐसे हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स के अंदर इसे यूज किया जा सकता है जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, बट रिसर्चर क्या चाहता है कि वो एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहता है, ठीक है, इम्प्रोवाइज करना चाहता है, तो उस जगह पर भी हमारा एक्शन रिसर्च यूज होता है। साइकिल ऑफ एक्शन, ये चीज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है भाई कि इम्प्रूव करने सिचुएशन को इम्प्रूव करना, तो ध्यान रखना। तो एक्शन रिसर्च जो है ऐसे हम साइकिल ऑफ एक्शन भी कहते हैं, साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं, ठीक है, एक साइकिल के थ्रू ये काम करता है ये, और इट इज टिपिकली एक प्री डिटरमाइंड प्रोसेस जो है उसे रिपीटेड ओवर अ टाइम, इसके अंदर रिपीट होती रहती है बार बार। तो आप मुझे बताना कि वो प्री डिटरमाइंड जो है वो साइकिल कौन सी है, कमेंट के अंदर जरूर बताना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्टिंग होती है उसकी प्लान से, तो वो चार स्टेप कौन कौन से हैं जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, देखते हैं कि आपको कितना ध्यान है, ठीक है। ओके, तो ये थी आज की क्लास हमारी, होप सो क्लास पसंद आई होगी, क्लास लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आती है तो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबका भला होना चाहिए, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो अपडेट है, जो नोटिफिकेशन है, वो आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।